नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने रास्ता बंद कर दिया, जिसकी शिकायत न्यायालय में की गई तो न्यायालय के द्वारा तहसीलदार को अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल करने का निर्देश दिया गया। तहसीलदार और पुलिस की टीम जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने महिलाओं को आगे कर दिया। इतना ही नहीं, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महिलाओं ने जेसीबी के सामने लेटकर कार्य में बाधा उत्पन्न किया तो अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ पांव उस समय फूल उठे जब एक महिला ने हार्ट अटैक आने का बहाना कर लिया तो अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम उल्टा महिला को लेकर अस्पताल ही पहुंच गई, उपचार कराया, जहां पूरे मामले को लेकर महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। जबकि पूरे मामले को लेकर तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के द्वारा बाधा उत्पन्न की गई थी, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल पूरा मामला जवा तहसील के जनकाई का है। आइए दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं तहसीलदार और पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। तार लग जाएगा। आगे जा रही मशीन भी आगे क्या जा रही मशीन के आगे क्यों जा रही? अरे मशीन के आगे मत भेजिए भाई, मशीन के आगे मत। अरे अरे नहीं, मार नहीं रहा, कोई नहीं मार रहा भाई। अरे वो चक्कर आ गया पानी, इसलिए मैं भी क्यों ना जाऊं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शुक्ला है, मैं ग्राम जन का हाई कला का हूँ। क्या जो अतिक्रमण का मामला था वो क्या मामला था? सर मामला ये था कि सर रास्ता बंद किए हैं बहुत दिनों से तहसीलदार साहब, अपर कलेक्टर और SDM साहब का आदेश है हमारे पास, और उन्होंने जो है 9 फुट का आदेश किया सर। वो जो है अब जहां हम लोग रास्ता निकलते हैं रास्ता पूरी तरह से बंद किए हैं तो गाली गलौज करने लगते हैं, लाठी जान से मारने की धमकी देते हैं श्रीमान। कल क्या हुआ था? कल सर आए थे तहसीलदार साहब अतिक्रमण हटवाने के लिए, और वो जो है हटवाने लगे तो एक मतलब लेडीज जो है चाची है वो बेहोश हो गई और बोलते कि हार्ट अटैक हो गया और सर भाग गए लेके, तो साहब वो सर लोग जो है लेके गए कि हम दवाई करवाएंगे यदि हार्ट अटैक आया है तो, और रास्ता उतरना नहीं खुल पाया सर, बहुत परेशान है बस रास्ता। पुलिस ऊपर आरोप भी लगाए गए कि पुलिस ने मारपीट की थी। सर ऐसा कुछ नहीं, मारपीट तो हुआ ही नहीं सर, बड़े कायदे से वो पकड़ के थोड़ा अलग किए, लेकिन जब रास्ता नहीं खुला तो सर पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी सर। शासन से आपके अब क्या मांग है? शासन से मेरा ये मांग है सर मेरे साथ उचित न्याय किया जाए सर, और रास्ता मुझे दिया जाए, क्योंकि हम लोग मर रहे हैं, 10 घर हैं सर मर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। आपका क्या नाम है दादा? श्रीकांत शुक्ल। कल क्या विवाद हुआ था अतिक्रमण? कलेक्टर साहब के आदेश रहा, तहसीलदार साहब रास्ता खुलवाओगे साहब हमारा रास्ता बंद जी, तो भैया JCB गवर नहीं है, खंभा रहा तो 2 दिन रहा पहले, और पुलिस वाले घर रहे तो कहीं बेहवटी चाय तो हम पचे बेहवटी चाय लागे हैं फौका 10 हाथ भट्टा लेने के बाद मुन्ना की दुल्ही जो है पहुँच रही है अपने ओटा माँ, और कहीं की जो है आखिरी मुंह ली थी पहले की चले आए हल्ला करे लागे हैं नहीं। कल बोला गया पुलिस के द्वारा मारपीट हुई थी, कैसा कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं भाई मारपीट, हम अपना वीडियो दिखा दे पूरा दिख रही, हाँ कहा ना पुलिस बोली ना के बोलर है, वो गरियावर है तहसीलदार गरियावर रहे हैं और पुलिस वाले गरियावर है, मतलब कुल मिला के आपको रास्ता अतिक्रमण कर था ना पूरा साहब बंद ही रास्ता मारा था गोरू मार मेहरियन को मारा था भीतर घुस के कई मार चुके तार लग जाएगा।
मशीन के आगे क्यों जा रही? अरे मशीन के आगे मत जाइए भाई, मशीन के आगे सर जनकहाई वाले मैटर पे आपके ऊपर मारपीट का आरोप लगा, महिलाओं ने लगाए, इसमें क्या सत्यता है सर, आपका क्या कहना है? किसी भी व्यक्ति को कोई मारपीट ना तो पुलिस के द्वारा ना मेरे द्वारा की गई है, किसी भी पुलिस वाले ने भी किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है, झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। महिलाओं ने कहा कि आपने धक्का दिया सामने से और बेहोश हो गई करके। महिला घर के अंदर थी, उसको जब जेसीबी हमारी पहुंची है बाड़ी हटाने के लिए, 4 साल से पेंडिंग था रास्ते का विवाद, रास्ते में बाधा पैदा कर रखा है दूसरे फैमिली ने और आवागमन अवरुद्ध है, जेसीबी न जाने पाए, उन्होंने रास्ते में बालू गिट्टी पत्थर मिट्टी भर के रखी थी, किसी तरह से हमारी जब जेसीबी वहां पहुंची तो वो महिलाएं पूरे घर की वहां सामने आ गईं और 3 घंटे तक उन्होंने कार्यवाही बाधित किया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर दी और न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश की अवज्ञा की, अंततः हमें वापस आना पड़ा, न तो किस औरत को मारा गया और न कुछ हुआ, बेहोशी का नाटक उसने जरूर किया था, तो उसको तुरंत पुलिस की सहायता से उठा के हम हॉस्पिटल भेजे, लेकिन वो बीच में उतर गई और कहीं चौराहे पर रख रहे थे उसको, कहीं तहसील परिसर रख रहे थे तो बीमार होती तो उसको अस्पताल ले जाना था, और पुलिस की सहायता से हमने हॉस्पिटल भिजवाया, डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जांच में पूर्णतः स्वस्थ पाया, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, उसने मरने और बेहोशी होने का झूठा नाटक करके सरकार को बदनाम किया। सर जो फरियादी है सर, तो उसका अतिक्रमण अब हटेगा या तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? फरियादी का अतिक्रमण नहीं हट पाए लोगों के बाधा पैदा करने के कारण, इसलिए उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 शासकीय कार्य में बाधा IPC 353 का मुकदमा तथा न्यायालय अपमान अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ अब न्यायिक कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के जाने पर लौटा दिया गया है और मरने और बेहोशी का नाटक करके बदनाम किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अब अधिकारी वहां जा पाएगा इसी परिस्थितियों में जहां मिथ्या आरोप लगते हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल जाएंगे। जी धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।